प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। आज तक आपने ऐसा सुना होगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों को ज्यादा संख्या में लगाया जा रहा है, लेकिन प्रयागराज में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। एक प्रोफेसर जिसे लोग बुलाते हैं ग्रीन मैन। ग्रीन मैन की चर्चा पूरे यूनिवर्सिटी में। पर्यावरण से प्रोफेसर को है बहुत प्यार। पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए भयावह समस्या बन गई है। पर्यावरण की इस विकराल समस्या से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों की सरकारें, एजेंसियां लाखों ग्रीन कैंपेन चला रही हैं। वहीं यूपी के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर के रहने वाले एक पर्यावरण प्रहरी प्रोफेसर एनबी सिंह ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का एक ऐसा अभियान चलाया है जिसके चलते लोग उन्हें ग्रीन मैन के नाम से पुकारते हैं। किसी शख्स ने क्या खूब लिखा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। यह लाइन प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एनबी सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ग्रीन मैन से अपनी पहचान बना चुके प्रकृति प्रेमी प्रोफेसर एनबी सिंह ने अब तक शहर में लगभग हजारों की संख्या में पेड़ लगा चुके हैं। साइकिल की सवारी करते दिख रहे ये शख्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बॉटनी के प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है एनबी सिंह। इसी से आप इनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रोफेसर होने के बावजूद वो साइकिल की सवारी करते हैं, साइकिल से घर और घर से कॉलेज। प्रोफेसर साहब को किसी डॉक्टर ने साइकिल से चलने की सलाह नहीं दी है, बल्कि इनका ये कदम पर्यावरण को बचाने के लिए है। देखिए, साइकिल का चलने का है, लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सबसे मैं साइकिल चला के मैं स्वस्थ रहता हूँ। और साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। हमारे परिवार में अभी तक कार नहीं है, ऑटोमोबाइल्स नहीं है, कोई बाइक नहीं है। हमारे बच्चे भी साइकिल से चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, और ये प्रयास करूँगा लोग साइकिल का भी उपयोग करते रहें, जिससे प्रसाद 10-20 लड्डू खा सकें। आइए अब आपको इनके असली नाम से वाकिफ कराते हैं। दरअसल ये है प्रयागराज के ग्रीन मैन यानी हरियाली गुरु, जो पौधे लगाते हैं और दूसरों के लिए बने हैं प्रेरणा। और इनके पिता हैं, जिन्होंने पर्यावरण को बचाने का पाठ पढ़ाया। प्रेरणा मिली हमको अपने पिताजी से। मेरे पिताजी कई बाग लगाए हैं, तो कक्षा 3 में था मैं, उस समय 50 पेड़ मैंने अपने पिताजी से मंगवा के कलमी आम लगाए थे, जिसमें लंगड़ा दशहरी चौसा था। तो पिताजी से हमको पेड़ लगाने की शिक्षा मिली, और इसके बाद उसको आज तक मैं सतत बनाए हूँ। और वृक्ष लगाने में हमको जितना आनंद आता है, उतना और किसी काम में नहीं आता। वही प्रोफेसर एनबी सिंह जब कक्षा 3 में थे, तब उन्होंने 50 पेड़ लगाए, तभी से उनका पर्यावरण के लिए प्यार जागा है। खास बात यह है कि पर्यावरण प्रेमी एनबी सिंह अपनी तनख्वाह में से बड़ी रकम धरती को हरा भरा करने में लगा देते हैं, और इसीलिए लोग इन्हें हरियाली गुरु के नाम से जानते हैं। ये पेड़ लगाना हमारी हॉबी है, हॉबी सबकी कोई ना कोई होती है, तो वृक्ष लगाना हमारी हॉबी है। और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, इलाहाबाद की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऑक्सीजन है, तापमान कम करते हैं, तो मैंने तमाम जगहों पे, नैनी में 4-5 प्लांटर हैं, रेल रोड पे आप देखिए, जमुना के किनारे जितने वृक्ष हैं, कोई ऐसा पौधा पेड़ नहीं होगा जिसमें मैंने हाथ न लगाया हो। हरियाली गुरु बंजर हो चुकी धरती को पौधों की कतारों से भरने का काम करते हैं। हरियाली गुरु अपनी आधी सैलरी पौधों और नर्सरी में खर्च करते हैं। वहीं निशुल्क हजारों पौधों को लगातार पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आज हम नागपंचमी दिन पूजा करते हैं, दूध भी पिलाते हैं जो कि जरूरी नहीं है। इसके बाद हम 365 दिन सांप मारते हैं,
सभी सांप ऐसे हैं खतरनाक हैं कि आपका जीवन खतरे में होगा। अगर सभी को भगवान ने सुरक्षा का साधन दिया है तो आपको भी सुरक्षा का साधन दिया है। आप अस्त्र लेके चलते हैं तो सभी को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, सांपों को भी अपनी सुरक्षा का अधिकार है। तो उनको बचने दीजिए, उनको जीवित रहने दीजिए। क्यों? आप प्रकृति की एक सुंदर रचना है। यू आर द बेस्ट सिग्नेचर ऑफ नेचर। प्रकृति की एक सुंदर कृति है। इस सृष्टि की जिम्मेदारी आपकी है, इस सृष्टि को आगे ले जाने। यूनिवर्सिटी के छात्र भी प्रोफेसर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कहा जाता है कि शहर में कहीं भी सांप या अजगर दिखने की सूचना मिली तो बिना किसी देरी के प्रोफेसर हरियाली गुरु उसे पकड़ने पहुंच जाते हैं। बिना किसी स्वार्थ के प्रोफेसर एनबी सिंह वहां पहुंचकर ना सिर्फ लोगों की जान बचाते हैं बल्कि कोबरा जैसे जहरीले सांप के भी जीवन की रक्षा करते हैं। हरियाली और पौधों के इस प्रेम के चलते यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में उन्हें लोग बॉटनी के प्रोफेसर के नाम से कम और हरियाली गुरुजी के नाम से ज़्यादा जानते हैं और नई पीढ़ी उनके इस जुनून और उनकी सादगी की ज़बरदस्त प्रशंसक है।